नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु जी यूट्यूब चैनल में। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं श्याला सिद्धि पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा, जल्दी हम पहुंच जाएंगे 10,000 सब्सक्राइबर के पास। तो अगर आपने सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया तो उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में दबा दीजिए घंटी बटन को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो श्याला सिद्धि का जो पोर्टल है वहां पर 22 मूल्यांकन के लिए विभिन्न कर्मचारियों को लगाया गया है, वरिष्ठ अध्यापक और साथ में ही लेक्चरर को। तो यहां पर स्कूल में जाकर के किस तरह से वे मूल्यांकन का कार्य करेंगे और क्या क्या डाटा फीड करना है ऑनलाइन, इसको लॉगिन कर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर श्याला सिद्धि टाइप कर देना है। तो मैंने श्याला सिद्धि को टाइप कर दिया है और यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ऊपर ही इस तरह की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर, इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन नहीं करना है, यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद किसी विद्यालय के 22 मूल्यांकन के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड आपके सीबीओ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए गए होंगे, आपकी टीम का जो भी लीडर है उसे प्रोवाइड करवा दिए गए होंगे। तो उस आईडी और पासवर्ड की मदद से हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें किसी पर भी क्लिक नहीं करना, बल्कि नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल यूजर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर इसी तरह का लॉगिन बार आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं टीम लीडर को, उस पर उसके पास ले लेने हैं, या फिर वो खुद एंट्री कर रहा है तो उसे यहाँ पर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर देना है। तो यूजर में सबसे पहले मैं आईडी फिलअप करूंगा और इसके बाद पासवर्ड। आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉगिन सेक्शन है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से लॉगिन सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको होम बटन शो हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर मैनेज एक्सटर्नल इवेल्यूशन। तो सबसे पहले होम पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का बार ओपन हो जाएगा, ये होम ही है। इसके बाद हम जाएंगे मैनेज एक्सटर्नल इवेल्यूशन। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के कर्सर का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट टू हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी सही लगती है तो आप हिंदी से भी ये फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो मैं यहाँ पर इस पर पुनः इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करते ही है ना आपके स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जिस किसी स्कूल का फीड पहले करना चाहते हैं उस स्कूल के नाम के आगे यहाँ पर गो बटन आपको शो हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं और इसको ओके करके ओपन कर। यहाँ पर आपको टीम लीडर का नाम लिखना है और टीम के जितने भी मेंबर है उनका नाम फीड कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप अगले डोमेन जो भी है उस पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जा सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहला डोमेन ओपन हो रहा है जिसका नाम है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है, जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो मैं सबसे पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, तो ये हिंदी में अब यहाँ पर है जनसांख्यिक प्रोफाइल, तो इसको फिडअप कर देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी फीड करना चाहते हैं उसे फीड कर दीजिएगा। आप अपने सुविधा के अनुसार आपने इस संबंध में आपको क्या फीडअप करना है, तो आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यह है कक्षावार वार्षिक उपस्थिति। तो यहाँ पर प्रतिशत लिखना है उसकी, जितना भी प्रतिशत उपस्थिति रही हो सत्र 2019-20 की। ठीक है, यहाँ पर 19-20 है तो 19-20 की ही एंट्री कर देनी है। ठीक है, 19-20 का ये डाटा आप फीड करने वाले हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर शैक्षिक वार्षिक वर्ष यहाँ पर आपको शो हो जाएगा 19-20। ठीक है, तो स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा तो उसी स्कूल का डाटा फीड करना है, गलती से दूसरे स्कूल का डाटा फीड नहीं हो जाए। उपस्थिति की प्रतिशत यहाँ पर जितनी भी रही है उसको यहाँ पर आपको फीड कर देनी है बिल्कुल अपने द्वारा लिए गए डाटा के अनुसार। ठीक है, इसके बाद सीखने के परिणाम, वार्षिक समेकित रिपोर्ट, परिणाम कितना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिणाम करेंगे 100%, क्योंकि यूपी स्कूल है और पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर कोरोना काल में इनकी जो परिणाम है लगभग 100% रहा है। सब समय की रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। इसके बाद मुख्य विषय में प्रदर्शन, तो आपको जैसा भी प्रदर्शन रहा हो उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मुख्य विषय में कितना परसेंट क्या कुछ रहा, मैं यहाँ पर गुड फीड कर देता हूँ अपने हिसाब से। आप अगर कुछ और डाटा फीड करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं डाटा फीड करने का जो सेक्शन बता रहा हूँ वो केवल डेमो होगा, आप इसे एज इट इज़ नकल नहीं करें, आप अपने अनुसार करें, आपने जो मूल्यांकन किया है उसके अनुसार। इसके बाद प्रत्येक शिक्षकों का प्रोफाइल, तो यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में शिक्षकों की संख्या, तो इस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनकी संख्या लिख देनी है टोटल। ठीक है, इसके बाद उपस्थिति उनकी कितनी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति लिख दीजिएगा जितनी भी परसेंटेज रही हो। ठीक है, आपके हिसाब से या टोटल उपस्थिति आप अपने अनुसार फीड कर दीजिएगा और प्रस्तुत करने पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप इसे सबमिट भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ आप चेक कर सकते हैं
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कॉलम है उसको फीड करना है, और इसके बाद अगर ये सक्सेसफुली फीड हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल जो भी है आप अपने अनुसार एंट्री कर दीजिएगा, मैं केवल आपको डेमो बता रहा हूँ, आपको इसको अपने अनुसार ही फिल करना है। तो आप देख सकते हैं जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट की गई है। इसके बाद आप अगला डोमेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगले डोमेन में पहुँच जाएंगे, जिसमें स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स का सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपको डाटा को फीड करना है अपने अनुसार। तो स्कूल प्रीमिसेस में आप लेवल सेलेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर आप भी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाई मीडियम जो भी करना चाहें आपके अनुसार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मैं मीडियम करूँगा, सभी में सभी डाटा को यहाँ पर फीडअप कर देना है कुछ इस तरह से। अगर आप सुविधा के अनुसार चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस विद्यालय का जो उन्होंने खुद शाला सिद्धि का डाटा फीडअप किया है उस डाटा को आप ले लीजिएगा, उनका एक प्रिंट स्कूल वालों के पास से ले लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर फीड करने में आसानी रहेगी। उन्हें स्कूल लेवल पर भी इसे फीड किया होगा उन विद्यालय वालों ने, तो आप उनके अनुसार यहाँ पर डाटा फीड कर सकते हैं। यहाँ उनका और अपना डाटा लगभग मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी है। सभी डाटा मैच नहीं हो लेकिन मैक्सिमम डाटा मैच होना चाहिए। तो हम इसे एक सबमिट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क अगर कोई डालना चाहते हैं तो रिमार्क ज़रूर डालिएगा। अगर सफलतापूर्वक हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिमार्क डालने के लिए कह रहा है, तो रिमार्क आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर रिमार्क में डाल देता हूँ, आप अपने अनुसार ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर सभी को फीडअप करना ज़रूरी है, जैसा कि मैं इसे रिक्त छोड़ने को कह रहा था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर सभी को फीडअप कर देता हूँ अपने अनुसार, ठीक है। रिमार्क मैं केवल डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे तो अगर हो जाता है तो यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट सेक्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे फिल करना नहीं, मैं इसे आपको नहीं कहता कि इसी तरह से फीड करें, लेकिन आप मैं केवल आपको उसमें क्या क्या डोमेन है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला जो डोमेन है नंबर एक पे स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक एक डोमेन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। अगर आप यहाँ से डोमेन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले टीम इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद बेसिक डोमेन नंबर एक खुला हुआ है। मैं दो पर क्लिक करूँगा, अगर आप एंट्री नहीं भी करोगे तब भी यहाँ पर डोमेन खोल पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें क्या क्या डाटा फीड करना है उसे पहले आपके पास रख लो, और एक कागज़ पर आप इसे फीड कच्चा कार्य करके फिर आप इसे पक्का करने के लिए ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप इसका प्रिंट निकाल दीजिएगा। कंट्रोल पी दबा करके आप इसे प्रिंट ले सकते हैं, और इसके बाद एक कागज़ पर जिस कागज़ पर आप प्रिंट ले रहे हैं उस पर फीड करके इसके बाद डाटा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं बाद में नकल उतार करके। अगर आप अगले डोमेन में जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना और डोमेन नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ नेक्स्ट करोगे तो ये आगे अगला डोमेन नहीं जाएगा, पर अगले पेज पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जब तक ये डोमेन पूरा नहीं होता है यहाँ नेक्स्ट नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करके अगले डोमेन पर जा सकते हैं चेक करने के लिए। तो आपको एक एक फीड करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से कोई डोमेन छूट न जाए। तो यहाँ पर अगला है स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, इसमें हमें फीड करना है जैसे कि टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, इस डाटा को फीड करना है। इसके बाद अगला में तीन नंबर डोमेन में क्या है, इसमें है लर्नर्स प्रोग्रेस, तो विद्यार्थियों ने किस तरह से प्रोग्रेस किया था इसकी डिटेल यहाँ पर फीड करनी है। और इसके बाद हम चाहते हैं चार नंबर में, ठीक है। तो चार नंबर में आप फीड करेंगे मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचरों का किस तरह से उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था इस सेशन में एकेडमिक ईयर में, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो ये सारा डोमेन आपको स्कूल लॉगिन में शाला सिद्धि का डाटा फीड होता है वहाँ से इसका प्रिंट लेकर एज इट इज़ भी उतार सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से यहाँ फीड कर दीजिएगा। ध्यान रहे मैक्सिमम डाटा मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेवल वगैरह सेलेक्ट करना है जो भी रहा हो, और इसका एक डिटेल वीडियो, ये लेवल क्या होता है इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे यहाँ इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कौन से लेवल में क्या होता है इसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू, मैं केवल ओवरव्यू देना चाहता था आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ पर आप लास्ट में इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं आपने कितना डाटा फीड किया है, ठीक है। तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी स्कूल जिस किसी भी स्कूल का डाटा चेक करना है उसका यूडैश नंबर या फिर यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए आप व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल में आपने कितनी डाटा एंट्री कर दी है उसका स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इससे रिलेटेड कोई कमेंट वगैरह है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट, नमस्ते।